हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में आउटलुक में अगर मेल कॉन्फ़िगर है तो उसको उस मेल को आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कोई भी आउटलुक होने दो, कोई भी वर्जन 2007, 2010, 2013, 16 से कोई भी रहने दो, तो आप वहां से अगर अपना मेल आईडी रिमूव करना चाहते हैं और दूसरा कोई मेल आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। तो यही मैं बताऊंगा। ये देखिए मेरा मेल आईडी है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो कहाँ से रिमूव करेंगे, यही देखिए सर्च यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल सर्च करके मैंने गया, कंट्रोल पैनल में यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मेल सर्च करेंगे। ये देखिए किसी में मेल 32 बिट ही रहता है, तो इसको ओपन करेंगे। इसमें अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। ये देखिए जब भी मैं दूसरा ओपन किया तो यहाँ पे शो प्रोफाइल कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आउटलुक करके है, अगर पहले में भी आपको आउटलुक मिला होता तो कर सकते थे। ये देखिए रिमूव किया यहाँ से, आउट अप्लाई ओके कर दिया, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया अपने मेल को। और देखिए मैं ये आपको आउटलुक ओपन करके बताया था, आप लोग आउटलुक को क्लोज ही रहने दें और फिर कंट्रोल पैनल में जाना है। ये देखिए अभी रिमूव हो गया है, प्रॉपर तरीके से रिमूव हो गया। और आपका जो पीएसटी इसका आउटलुक का डेटा था वो नहीं डिलीट हुआ है, वो आपके उसी लोकेशन पे होगा जो लोकेशन पे आप सेपरेट रखे थे। अगर डी ड्राइव में रखे होंगे तो डी ड्राइव में होगा, नहीं तो अक्सर ये विंडोज 10 में डॉक्यूमेंट्स में आपका रहता है। ये देखिए यहाँ से हो गया है, यहाँ से आपका प्रोफाइल डिलीट हो गया है, आपका मेल आईडी यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आप कोई भी वर्जन होने दो आउटलुक में, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर उस मेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कॉन्फ़िगर कैसा करते हैं, वो कॉन्फ़िगर करने के लिए याहू, जीमेल कोई भी हो तो मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से कर सकते हैं आप, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं।